हाय गाइस, दिस इज अनीस एंड नाउ यू आर वाचिंग ए डेली लाइफ विद अनीस। सो गाइस, आज हम लोग अपने फार्म पे आए हैं और मवेशी के लिए कुछ हरा चारा लगाने के लिए। तो आप पीछे देख सकते हैं, एक तरह से जुताई चल रहा है। तो अभी कुछ दोस्तों ने पूछा कि ऐसा कौन सा चारा लगाया जाए जिसे मवेशी के लिए अधिक से अधिक चारा हो सके और इस मौसम को देखते हुए कौन सा चारा बेहतर हो। तो गाइज, मैं आपको दिखाऊंगा कि आज हम लोग क्या रोप रहे हैं और इसको कैसे रोपा जाएगा, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दिखाता हूँ मैं आपको। सो गाइज, मार्केट में बहुत सी अच्छी अच्छी कंपनियों के बीज अवेलेबल हैं। तो जैसे आप एडवांटा कंपनी के बीज यूज़ कर सकते हैं, जैसे न्यूट्रीफीड आप यूज़ कर सकते हैं, और अभी जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ठीक है, ये NS, तो ये भी NS007, तो ये भी काफ़ी अच्छा सीड है। मैंने इसको यूज़ किया है पहले भी, और इस सीड के द्वारा आप एक बार में मतलब 6 से 7 कटिंग आप ले सकते हैं इजीली। तो इसके काफ़ी अच्छे मतलब प्रोडक्शन होते हैं और कटिंग आप 6-7 कटिंग इजीली ले सकते हैं। और इसमें विशेष कुछ ही चाहिए, आप अभी नॉर्मली मिट्टी में अगर नमी है तो आप इसको ऐसे ही अभी छिट दें, और 20 से 25 दिन के बाद आप इसमें नाइट्रोजन यूज़ कर सकते हैं 40%, तो आप यूरिया और लिटिल बिट आप DAP यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका अपना गोबर हो या बर्मी हो तो और भी बेहतर है। तो ये घास चारा बहुत ही अच्छे है मवेशी के लिए, दूध के लिए काफ़ी अच्छा उत्पादन इससे होता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मवेशी को अधिक से अधिक चारा पर फोकस करें, तो आप ऐसा घास हमेशा लगा कर रखें अल्टरनेटिव। तो मैं आज और भी दिखाऊँगा कि मैं कुछ खेतों में आज खाद भी छींटना है, ताकि ये साल का 12 महीना आपके मवेशी को चारे की कमी ना हो। इसके लिए आपको एक अल्टरनेट, एक ख़त्म दूसरा लगाइए, दूसरा ख़त्म तीसरा लगाइए और खाद देते रहे, मतलब ये एक अल्टरनेटिव आपको रखना पड़ेगा। तो गाइज, इससे पहले कहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस तरह के नॉलेज के लिए आप हमें नोटिफिकेशन ऑन रखें। तो थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।